झारखंड में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। रांची के धुरवा में बिजली वितरण विभाग के सामने बीजेपी वर्करों ने धरना दिया। वहीं बीजेपी नेता के गुप्ता ने कहा है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से बिजली की इतनी लचर व्यवस्था कभी नहीं थी। गुप्ता ने कहा कि हेमंत राज में जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है इतना खराब बिजली व्यवस्था कभी नहीं था। शहर वासियों को मात्र 3 से 4 घंटा बिजली मिल रहा है और झारखंड सरकार परेशानियों की दुहाई दे रही है। और यही जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो 2400 घंटा झारखंड वासियों को रांची वासियों को बिजली मिलता था। तो क्या सरकार बदल जाने से बिजली व्यवस्था बदल गई? ये सर्व करनी चाहिए हेमंत सरकार को कि आपके मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड वासी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने पिछले दिनों यहाँ के जो बिजली वितरण निगम के जो CMD है के वर्मा जी उनको मिल करके अल्टीमेटम दिए थे कि आप यदि 7 दिनों के अंदर बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं करते तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और जब देखे कि कोई सुधार नहीं हो रहा है तो हम लोगों को मजबूर होकर आज धरने पे बैठना पड़ा। फिर भी यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन करेंगे और झारखंड सरकार को मजबूर करेंगे कि या तो आप झारखंड वासियों को बिजली निर्बाध गति से उपलब्ध कराइए, नहीं तो आपको गति से उतरना होगा। वहीं बीजेपी लीडर शोभा यादव ने कहा कि लचर बिजली व्यवस्था के कारण महिलाओं को सबसे अधिक समस्या हो रही है। यादव ने कहा कि जनता को सुविधा मुहैया कराने के बजाय हेमंत सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। गृहिणियों को सबसे ज्यादा महिलाओं को ही दिक्कत होता है। बिजली नहीं रहने के कारण घर की सारी काम जो आप पढ़ने का लेकर फ्रिज टीवी जितना भी आप देख सकते हैं सारा बिजली से चलता है। और ये सरकार जो स्थिति है जो कि 3000 मेगावाट बिजली की जरूरत है पूरे झारखंड को और ये झारखंड सरकार 2000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही है। ये सरकार लूट खसोट की सरकार है जो नागरिक का आम नागरिक का मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान न देकर ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि क्या लूट खसोट में लगी हुई है। तो इस तरह एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि घर में रहते हुए हमारे बच्चों को एग्जाम है, एग्जाम में पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा, हर चीज आज बिजली से चलता है। यहाँ के 55,000 उद्योग जो लगाए हुए हैं इंडस्ट्रीज के लोग उन लोगों को संकट की स्थिति पैदा हो गई, एक तरह से अराजकता की स्थिति है। तो कह सकते हैं ये सरकार सिर्फ लूट कसोट की सरकार है, इनको मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब। अगर बीजेपी का आरोप सही है तो सरकार को पावर कट की समस्या को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।